मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के इन अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन ले। ओवैसी को योगी आदित्यनाथ दिले कड़ा जवाब, कहिले चाचा जान ओ आबा जान माने सुनिनियंतु, परिवेश खराब कले हेबो कार्यानुष्ठान। शाहीन बाग धमक नहीं ओवैसी का वक्तव्य उपरे देले प्रतिक्रिया। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन र सभापति तथा सांसद असाउद्दीन ओवैसी सीए आईन प्रत्याहार नहीं उत्तर प्रदेश रा योगी सरकार को धमक देवा घटना पर तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानपुर ठारे बीजेपी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मानंकर सम्मेलनी रे उद्बोधन दे योगी आदित्यनाथ कड़ा शब्द रे कहिसेंती जे चाचा जान ओ आब्बा जान माने भलो भाबे सुनि नियंतु, सीए नामरे उत्तर प्रदेश रे परिवेश खराब कले तांको विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराचिबो। एही प्रसंग रे योगी आदित्यनाथ कौन कहिछंती सुनंतु। आज यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन ले। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। मुख्यमंत्री योगी ओवैसी को समाजवादी पार्टी रो एजेंट बोली कहिबा सह से लोकमानंकर भावना को उद्रेक करबा को आसी छंती। से कहिछंती जे एबे उत्तर प्रदेश रो परिचय आ दंगा कारणरु नहे, बरम दंगा मुक्त होइथबा कारणरु तयारी होइछे। राज्य रे एबे आ दंगा कराउथबा ओ माफियांक सरकार नहि, माफिया मानंक उपरे बुलडोजर चलाउथबा सरकार वर्तमान राज्य रे अछि। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज किस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। एठारे उल्लेख करा जाई पारे जे कृषि आईन को रद्द करा जिबा घोषणा परे ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन रो सभापति तथा सांसद असाउद्दीन ओवैसी मोदी सरकार को धमक देथिले। से एक सभा रे केंद्र सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करबा को दाबी करथिले। मुतालबा करते कि सी डबल ए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे, अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाल्लाह ताला, याद रखना। उत्तर प्रदेश रो बाराबंकी ठारे एक सभा रे उद्बोधन दे ओवैसी यहाँ कहिछंती। से कहिथिले जदि केंद्र सरकार सीएए ओ एनआरसी उपरे आईन प्रणयन करंती तेबे आमे रास्ता कोल्हाइबू ओ आउ एक शाहीन बाग तयारी करि देबू। डॉक्टर समन्वय नंदंक इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।